एटा के अलीगंज हाई प्रोफाइल केस में आज संदीप गुप्ता के श्रद्धांजलि शांति पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर और समाज व दूर दूर से नेताओं ने संदीप गुप्ता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं ये सच है कि संदीप गुप्ता की हत्या की बात से पूरा जिला आज भी गमगीन है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि संदीप गुप्ता दूसरों की मदद करते करते अपने प्राणों को इस समाज के बलिदान कर दिया। वहीं संदीप गुप्ता के शांति पाठ कार्यक्रम में पहुंचे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी संजीव गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अलीगंज पूर्व पालिकाध्यक्ष अपने आंसू नहीं रोक पाए। सांसद साक्षी जी का कहना है कि मैं संदीप को श्रद्धांजलि और परिवार को सांत्वना देने आया हूँ, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। एटा उत्तर प्रदेश से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर। आप संदीप गुप्ता जी और संदीप के परिवार से मेरा बहुत ही निकट का घनिष्ठ संबंध था। मुझे याद है कि मैं कभी कुछ आदेश करता था, संदीप नहीं टालते थे और उनकी बात को मैं भी नहीं टालता था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत मजबूत हृदय का व्यक्ति हूँ, हिमालय से भी टकराने की ताकत रखता हूँ। लेकिन संदीप की जिस तरह से मृत्यु हुई, मुझे बेहद पीड़ा हुई। और आज इनके यहाँ शांति पाठ का कार्यक्रम था और आज ही मोदी जी की रैली थी लखनऊ में। मैंने उनके भाई को फ़ोन करके कहा कि अगर रैली कैंसिल हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा। संयोग से रैली कैंसिल हुई। मैं आज दिल्ली से केवल और केवल स्वर्गीय संदीप गुप्ता को अपने श्रद्धा के समर्पण अर्पित करने, उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करने के लिए, भगवान चरणों में स्थान दे, इतने मात्र उद्देश्य के लिए मेरा आज यहाँ आना हुआ। प्रदेश से योगी जी कह रहे हैं कि रामराज की स्थापना आज 13वां दिन है, लगातार मुख्य आरोपी आजी पुलिस की कैसा रामराज्य जी, कैसा रामराज्य 13वीं है और मुख्य आरोपी संजीव गुप्ता के जो है वो आज भी पुलिस की गिरफ्त। लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तत्काल केस को खोल लिया गया था, 24 घंटे भी नहीं लगे थे। सरकार की नीति नियति पर आप लोगों को प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा भी पुत्रवत था। मैं भी डीजी, एडीजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री सबके संपर्क में हूँ और जो भी दोषी हैं उन्हें किसी कीमत पर क्षमा नहीं किया जा सकता, वो दंडित किए जाएंगे और ईश्वर की अदालत तो सबसे बड़ी होती है।